गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वेव ऑप्टिक्स। इसमें अभी तक हम लोगों ने इनकोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ा था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो अब हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस, क्योंकि इनकोहेरेंट सोर्स से जो लाइट जाती है तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी स्क्रीन पर आती है, मतलब 2I0 की। लेकिन अगर कोहेरेंट सोर्स से लाइट आती है तो क्या होता है, वो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑन द स्क्रीन। तो जब कोहेरेंट सोर्स से लाइट चलेगी तो क्या होगा, वो आपस में इंटरफियर करेंगे, और इंटरफियर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक डिफिनीशन पढ़ना कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस होता क्या है, व्हेन टू लाइट वेव इमिटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, सुपर इम्पोज टू ईच अदर, देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स एंड मिनिमम एट सम पॉइंट्स, सच फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, क्योंकि जब S1 S2 जो कोहेरेंट सोर्स हैं लाइट चलेगी आपस में इंटरफियर करेंगे तो स्क्रीन पर किसी पॉइंट पे हो सकता हो सेम फेज में पहुंचेंगे तो वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर अपोजिट फेज में पहुंचेंगे तो वहाँ इंटेंसिटी मिनिमम मतलब जीरो हो जाएगी। तो अगर इस तरह से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए स्क्रीन पर तो क्या होगा, वहाँ इंटरफेरेंस फिनोमेना के अकॉर्डिंग हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये इंटरफेरेंस का सिंपल डिफिनीशन है। अब हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कंसीडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिगर बना के देखेंगे कि किस कंडीशन में जब दो वेव इंटरफेयर कर रही होंगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा, और किस कंडीशन में जब दो वेव इंटरफेयर कर रही होंगी तो इंटेंसिटी मिनिमम आएगा। तो इसी को अब हम लोग करना है, आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे कंसीडर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई दो कोहेरेंट सोर्स S1 S2 होते हैं, प्रोड्यूस बाई S1 एट पॉइंट P, स्क्रीन पर हम कोई पॉइंट P लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका इक्वेशन मान लिया पहले वेव का, Y1 इक्वल टू है A cos ओमेगा T, ये इक्वेशन है फर्स्ट वेव का। इसी तरह जो दूसरा वेव है उसका इक्वेशन मान लेंगे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई S1 एट पॉइंट P एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई S2 एट पॉइंट P, उसी पॉइंट P पर S2 कोहेरेंट सोर्स से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है मान लेते हैं, Y2 इक्वल टू A cos ओमेगा T। इस तरह दो वेव हैं जो इंटरफियर करने जा रहे हैं उनका हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन माना हुआ है। अब ये देखेंगे कि ये कैसा इंटेंसिटी देंगे स्क्रीन पर, तो Y1 Y2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या, इसका एक फिगर अगर इसे ड्रा कर दें कि मान लिया यहाँ S1 सोर्स था और यहाँ पे S2 सोर्स था कोहेरेंट सोर्स, और ये पॉइंट P पर यहाँ कहीं पॉइंट P है, तो ये वेव यहाँ से इस फॉर्म में चलेंगी, मान लिया इस तरह पहुँची, और इसी तरह S2 से भी जो दूसरी वेव चली है वो भी इस तरह से पहुँची, मतलब मान लेते हैं दोनों का क्या है ट्रफ पहुँच रहा है एक साथ पॉइंट P पे, क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन माना गया है। तो समझने के लिए फिगर हम मान सकते हैं कि दोनों वेव का क्या है ट्रफ एक साथ पहुंच रहा है पॉइंट P पे। तो अब क्या करेंगे, जो Y1 Y2 माने हैं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव Y इक्वल टू क्या होगा, Y1 प्लस Y2 से फाइंड आउट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, Y1 की वैल्यू A cos ओमेगा T, Y2 की A cos ओमेगा T, ये हो जाएगी 2A cos ओमेगा T, Y की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ 2A क्या है, एम्पलीट्यूड है। अगर अब हम इंटेंसिटी पता करें कि पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया, तो इंटेंसिटी को हम क्या है I से डिनोट करते हैं, I क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो K इंटू A स्क्वायर, K इंटू A के यहाँ जाएगा कितना है 2A है, तो 2A का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 4KA स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन, I इक्वल टू 4K स्क्वायर। हम जानते हैं K स्क्वायर को क्या कहते हैं, I0, तो यहाँ से हो जाएगा 4I0। इसका मतलब ये जो दो वेव इंटरफेयर कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो क्या होगा 4I0 की इंटेंसिटी मिलेगा, और इसको
जो फ्रिंज मिलेगा हमारा स्क्रीन पे वो क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा, मतलब वहाँ चमकता हुआ रीजन दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि S1 S2 से जो दोनों वेव चली थी इंटरफियर की आपस में, तो वहाँ उस पॉइंट P पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रही हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि अगर दो वेव इंटरफियर करें जो अपोजिट फेज में हो, तो सेम फेज में था, अपोजिट फेज में इंटरफियर करें तब इंटेंसिटी कितना होगा। अगेन यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कंसीडर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई S1 एट पॉइंट P, तो फिर वही कोहेरेंट सोर्स होगा, S1 से एक लाइट चलेगी एक S2 से लाइट चलेगी, मान लिया किसी पॉइंट Q पर पहुँचेंगे तो S1 एट पॉइंट P, तो इसका इक्वेशन हमने मान लिया Y1 इक्वल टू A cos ओमेगा T। इसी तरह जो S2 कोहेरेंट सोर्स है उससे चलने वाली वेव का इक्वेशन मान लिया, यहाँ मान हम लोग कि दोनों वेव क्या है अपोजिट फेज में इंटरफेयर कर रही है, मतलब पाई का फेज डिफरेंस है दोनों वेव के बीच में। फिर लिखेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई S2 एट पॉइंट P, तो चूंकि अपोजिट फेज में माने तो Y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A cos ओमेगा T प्लस पाई, ये कितना आ जाएगा माइनस ए कास ओमेगा टी, यह आ जाएगा वाई वन वाई टू। इस तरह से यहाँ पे हम निकालेंगे अगेन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो दोनों क्या है एक कॉस ओमेगा टी प्लस एक माइनस में तो जीरो हो गए, तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जीरो आ गया। तब इंटेंसिटी क्या होगा आई इक्वल टू के इन टू ए का स्क्वायर, यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है जीरो, जीरो का स्क्वायर मीन्स इंटेंसिटी जीरो, मीन्स ये क्या करेगा डार्क फ्रिंज देगा, ऐसा फ्रिंज देगा डार्क। अब इसका अगर हम लोग फिगर बनाए जिस समझने के लिए कि एस वन एस टू दो कोहेरेंट सोर्स हैं, यहाँ की स्क्रीन पे कोई पॉइंट Q है, तो S1 से एक वेव चली इस तरह से मान लिया पहुँची और S2 से एक वेव चली और ये इस तरह से पहुँची, मतलब दोनों अपोजिट फेज में पहुँच रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या है कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, और कैंसिल आउट कर देंगे तो वहाँ पे डार्क रीजन मिलेगा। तो इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न में स्क्रीन पे हमें ब्राइट रीजन और डार्क रीजन से भरा हुआ पूरा स्पेस दिखता है। ब्राइट रीजन की इंटेंसिटी 4I0 होती है और डार्क रीजन की जो इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। तो ये हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंज समझ सकते हैं कि कैसे बनता है इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स। अब इसके बाद हम लोग क्या एक जनरल इक्वेशन मानते हैं कि वाई, मान लिया कोई वेव का इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी और दूसरे वेव का इक्वेशन वाई टू इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब फेज डिफरेंस की जनरल कोई वैल्यू ले लें, और तब उससे हम क्या है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव निकालेंगे और उससे इंटेंसिटी पता करेंगे, तो हमें एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा। इसमें यहाँ से अगर लिखें कंसीडर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई S1 एट पॉइंट P इज Y1 इक्वल टू A cos ओमेगा T, जनरल के केस के लिए मान रहे हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई S2 एट पॉइंट P, क्या मान लिया Y2 इक्वल टू A cos ओमेगा T प्लस फाई, यहाँ फाई क्या है फाई फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव, इसको यहाँ नोट करेंगे वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव। तो इस तरह से हमें जनरल वेव के केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगा, तो अलग अलग हमने मान लिया, अब क्या मानेंगे देन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा वाई इक्वल टू
वाई वन प्लस वाई टू, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे एक कामा ले लें। तो पहले वेव का इक्वेशन कास ओमेगा टी प्लस कास ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसी को हमें क्या है मैथमेटिक्स फार्मूला यूज करके सॉल्व करना होगा। तो हम क्या है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा होमवर्क है अब थ्योरी पर बेस्ड। ओके, थैंक यू।